है कि इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में एक बड़ा सेलिब्रेशन मानी जाती है, लेकिन वो भी 9 दिनों तक चलती है, जबकि जो गणेश उत्सव होता है पूरे 10 दिनों तक सेलिब्रेट करा जाता है। हम सब अपने अपनी भावनाओं के हिसाब से उन्हें स्थापित करते हैं, कोई 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए। और अगर आपको मैं अपनी बात बताऊं तो मैं उन्हें पूरे 10 दिनों के लिए स्थापित करती हूं। पिछले 5 सालों से मैं गणपति जी को अपने घर में स्थापित कर रही हूं, और आपको मैं बताऊं मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है और मैंने खुद अपने जीवन में उन्हें महसूस किया है विघ्न को हरते हुए, तो मेरा विश्वास उनमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस टाइम पे ये टाइम आता है मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल एनर्जी से भरी हुई होती हूँ। जिस तरह से माँ दुर्गा के जो नवरात्रे होते हैं उन्हें मैं सेलिब्रेट करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ को बढ़िया से सेलिब्रेट करना और अपने हद को थोड़ा सा पार करके आगे जाना और त्योहारों को सेलिब्रेट करना। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बेसिकली है गणपति डेकोरेशन को लेकर, और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए हो जाएगी क्योंकि आज सब कुछ जुगाड़ से होगा, और जुगाड़ का मतलब ये है कि घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि देखिए कि बार बार हम नई नई चीज़ें लेकर आए, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार डेकोरेशन हम एक ही तरह से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जुगाड़ से कोई काम किया जा सकता है तो किस लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या जुगाड़ लगाया है और कैसे जुगाड़ से जो डेकोरेशन है वो बहुत खूबसूरत आई है। मेमोरी वॉल के नीचे ही इस बार मैं अपने गणपति जी को स्थापित करूंगी। तो यहाँ पर जो सामान था और जो मुझे लग रहा था कि बीच में ये परेशानी करेगा उसे मैंने हटा लिया है, ये तो मैं बाद में भी सेट कर लूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम पे, जो वॉल ब्रैकेट्स थे और जी जो मेरी वॉल शेल्फ थी उसको मैंने अभी रिमूव कर लिया है और इस जगह को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैंने कुछ ये फैब्रिक लिए हैं, सारे ही फैब्रिक ऐसे हैं जिनमें से कुछ तो मैं पहले पूजा में यूज़ कर चुकी हूँ, कुछ न्यू हैं जिनमें से कुछ तो दुपट्टे के फैब्रिक हैं। इन्हीं से मैं क्या करूँगी कि बैकड्रॉप को तैयार कर लूँगी। इस तरह के जो ब्राइट कलर होते हैं इनसे जो बैकड्रॉप होता है वो बहुत अच्छा बन के आता है, और एकदम इनका जो फैब्रिक है थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये आराम से कोई भी शेप ले लेगा। तो इसे मैं पीछे की साइड लगाऊँगी। मैंने ये इतनी थिकनेस का एक सरिया टाइप है, बिल्कुल पतला, अगर इसे ऐसे बैंड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये बैंड हो जाता है, और थोड़ा मुश्किल से बैंड हुआ है हालांकि। तो इसे मैंने कुछ ऐसी शेप दी है, यहाँ से आप देख ही रहे होंगे, और नीचे से मैंने इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे टेबल के ऊपर बांध लूँगी, आगे आप देखेंगे कि किस तरह से बांधूँगी। तो चलिए इसे फटाफट बांध लेते हैं। अब मैंने क्या करा कि मैंने एक दरी बिछाई अपने टेबल के ऊपर, और उस पर जो मैंने रिंग तैयार करा था उसे जूट रोप की हेल्प से बहुत अच्छे से बांध लिया है। दरी बिछाने की वजह से ये इसकी जो पकड़ है मजबूत हो जाएगी और आराम से जो हमारा रिंग है वो टेबल के साथ अटैच हो जाएगा। बहुत आराम से ये इसके ऊपर अटैच हो गया था, और देखिए ये कुछ इस तरह का लग रहा था। आप इसे कितना भी छोटा या बड़ा तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करा मैंने कि जो मेरे पास फूल मालाएँ थी मैंने इस रिंग के ऊपर लपेट ली। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पहले इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेटूंगी और उसके बाद मालाएं लपेटूंगी ताकि ये थोड़ी सी मोटी मोटी फील हो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पहले एक बार ट्राई कर लिया जाए। लेकिन जैसे मैंने माला लपेटी, क्योंकि माला की जो मोटाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे कोई नीचे कपड़ा लपेटने की ज़रूरत नहीं हुई। अभी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से देखो हिल रहा है, लेकिन जब दीवार के ऊपर अटैच हो जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, और बाकी की मालाएँ भी इसी तरह से मैं पूरी पे लपेटूंगा। अब मैंने कुछ फूलों के इस तरह के बंच लिए हैं और मैंने इनके जो फूल थे उनको अलग कर लिया है। किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और देखिए इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। उससे पहले मुझे इसके पीछे के जो रिंग का बैकग्राउंड था उसे कवर करना था, तो मैंने एक मर्चेंटा कलर का अपना दुपट्टा लिया और उससे मैंने इसे बहुत अच्छे से कवर कर लिया। मैंने तो यहाँ पे ये नॉर्मल पेपर क्लिप लगाई हैं, किसी भी तरह की जो पिन होती हैं उसी से ये अटैच हो जाता है। उसके बाद मैंने एक बैकड्रॉप के लिए येल्लो कलर को चूज़ करा था, उसको पीछे की तरफ लगाया। छोटी छोटी नेल्स की हेल्प से मैंने इसे दीवार के ऊपर अच्छे से अटैच कर लिया, और देखिए जो हमारा बैकड्रॉप था वो बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गया है। अब मैंने छोटी छोटी सी इस तरह की मेरे पास मालाएं थी, इन्हें मैंने क्या करा है ऊपर की तरफ भी अटैच कर दिया है, जिससे एक बॉर्डर बन के आएगा और वो देखने में अच्छा लगेगा।
अब जो इसकी साइड्स थी उनमें मैंने वही मालाएं यूज़ करी हैं जो मैंने रिंग के अंदर यूज़ करी थी, क्योंकि जो साइडें थी वो बिल्कुल खाली खाली फील हो रही थी, तो मैंने इधर की साइड और उधर की साइड यानी दोनों साइड मैंने एक जैसी मालाएं लगा दी। अब देखिए मेरे पास थोड़े से फ्लावर्स थे सन फ्लावर्स के, ये भी मेरे पास बंच में ही थे, उनमें से मैंने 5-6 फ्लावर्स निकाल लिए हैं और जो ऊपर की तरफ जो बॉर्डर बना हुआ है उस पर मैंने जो आलपिन होते हैं उसकी हेल्प से अटैच कर लिए हैं। अगर मैं ये ना लगाती तो ये देखने में उतना ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा था। पहले मैंने क्या करा कि मैंने बीच में भी लगा दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा भरा भरा हो गया है तो आगे चल के मैंने इसको बिल्कुल प्लेन रख दिया था, वो आगे आप देख ही लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो फ्लावर हमने हटा के रखे थे इन्हें मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि जब आप इस तरह से जगह जगह फ्लावर्स लगा देंगे तो ये बिल्कुल एकदम भरा भरा फील होगा, तो मैंने जितने भी फ्लावर्स अलग से निकाल के रखे थे इन्हें मैंने अटैच कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले जब दरबार लगता है तो उससे पहले गंगा जल के थोड़े से छींटे लगा लेते हैं, और बाद में भी मैं क्या करूँगी कि जब पूरा दरबार रेडी हो जाएगा तो थोड़े गंगा जल के छींटे तो उस टाइम लगा लूँगी, और जिस टाइम पे गणपति बाप्पा को स्थापित करा जाता है उससे जस्ट पहले भी मैं एक बार फिर से लगाऊँगी, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा सामान ऐसा है जो थोड़ा सा पुराना है। अब मैंने क्या करा कि बीच में मैंने गणपति जी को बिठाने के लिए स्पेशली एक चौकी लगा ली है और उसके ऊपर ये पीले रंग का एक फैब्रिक अच्छे से मैं अटैच कर लूँगी, और इसको अटैच करने से ये भी फ़ायदा होगा कि ये बार बार इधर उधर नहीं उड़ेगा। ये सारे ही फैब्रिक मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे कहीं दिख जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे यूज़ आ जाएगा, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ले लेती हूँ, लगभग 1 या 1.5 मीटर के आसपास का। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ साइड में ग्रीनरी ऐड करी है, थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा था, और इसके नीचे जो मैंने प्लांटर लगाए हैं वो ये मेरे अपने ही DIY हैं, आपके साथ मैंने इन्हें शेयर ही करा था। और देखिए दूसरी तरफ भी ये मैंने अपने DIY स्टैंड लगा लिए हैं। अब इनमें मैं क्या करूँगी कि कुछ थोड़ा सा डेकोरेटिव पीस रख दूँगी, क्योंकि जब भी त्यौहार होते हैं तो जो गोल्डन कलर होता है उसके वजह से और भी कलर पॉपअप होते हैं। अब इस तरह से पूरा दरबार मेरा रेडी हो गया है, और चलिए अब आपको झलक दिखाते हूं कि जो गणपति जी के लिए हमने दरबार लगाया है वो देखने में कैसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाती हैं, जैसे आज भी 2 चौकियाँ रह गई हैं, एक इधर स्थापित होगी एक इधर, वो छोटी चौकी होती है जो अखंड ज्योत और उनके कलश के लिए स्थापना होती है, ये दोनों चौकियाँ मैं उसी दिन लगाती हूँ जिस दिन पप्पा घर आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो डेकोरेशन का मेरा बहुत ज़रूरी काम था वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।